हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना। तो ये AKTU यूनिवर्सिटी का हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, और किसी और यूनिवर्सिटी का भी अगर कोई स्टूडेंट है तो वो भी यहाँ से पढ़ सकता है अगर उसका सिलेबस मैच कर रहा है तो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी यूनिट 1 है, और एक चीज़ और बता दें कि ये BTech सेकेंड सेम की मैथ्स है। तो यूनिट 1 हमारी है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, ये हम लोगों को पढ़नी है। उससे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो हम आपको बता दें कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसका जो ऑर्डर होता है, उस अगर हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होता है उसके ऊपर अगर उस जो पावर लगी होती है वो हमारी कहलाती है डिग्री। तो जितने भी उसमें डेरिवेटिव हैं उन सब की डिग्री सेम होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आइए देखते हैं क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, d2 by dx2। ठीक है, और जो है डिफरेंशियल कोफिशियंट, देखिए ये यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे ये देखिए dy/dx है, तो कुछ नहीं लिखा, मतलब पावर 1 है। तो आपका इस पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव ये वाला है, इसका ऑर्डर क्या है जो यहाँ पे लिखा होता है, इसका ऑर्डर 2 है। अब ऑर्डर 2 है, अब यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मतलब कि 1 है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 1। अब आप देखिए कि इसकी डिग्री क्या है, इस वाले की डिग्री भी क्या है, हमारी 1 है। और ये जो y आपका क्या है, y आपका है डिपेंडेंट वेरिएबल, इसकी डिग्री भी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो इसके ऊपर भी कुछ नहीं लिखा है तो मतलब क्या है, 1 है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की ये खासियत होती है कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब कही जाती है, जब पूरी इक्वेशन में जितने भी डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल, इन सब की जो पावर होती है, इन सब की जो डिग्री होती है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा हम कैसे देखते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है, इस वाली इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, तो मैक्सिमम ऑर्डर की ही डिग्री देखी जाती है। तो जो हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 2। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या है, 2, और इसके ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं लिखा मतलब 1, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 1। ऑर्डर क्या हो गया इसका, 2, और डिग्री क्या हो गई, 1। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इस वाले एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए बिल्कुल। यहाँ पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है, ये है फर्स्ट डेरिवेटिव dx/dt, ये है सेकेंड डेरिवेटिव क्योंकि d2x/dt2 है। तो जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होता है तो वही उसका ऑर्डर देखिए, तो ऑर्डर क्या हो गया इसका, d2/dt2। ठीक है, तो ऑर्डर हमारा 2 है। अब इसकी डिग्री क्या है, कुछ भी नहीं लिखा मतलब क्या है, डिग्री 1, इसकी भी डिग्री 1, कुछ भी नहीं लिखा एक्सपोनेंट में, कहां लिखा है, कुछ भी लिखा है नहीं लिखा, तो मतलब 1। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, इस पूरी इक्वेशन की अगर एग्जाम में पूछा जाए कि डिग्री क्या है, तो हमेशा जो हमारा हाईएस्ट और डेरिवेटिव होता है उसकी हम डिग्री देखते हैं। ठीक है, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो हम ऐसे पहचानेंगे कि यहाँ जितने भी डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल है उन सबकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब आ जाते हैं नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन। दो बार लिख दिया मैंने डिफरेंशियल, ठीक है, तो नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन, अब इसको देखिए हम कैसे पहचानेंगे। अब इसमें देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, तो यही है d2y/dx2। ठीक है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव से ही हम ऑर्डर देखते हैं, तो ऑर्डर इसका क्या हो गया, 2, और इसकी डिग्री क्या है, 1 है। लेकिन ये नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल क्यों है, क्योंकि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी डिग्री 1 है, फर्स्ट डेरिवेटिव की डिग्री क्या है, 2 है, डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री क्या है, 2 है। तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन होती है कि डिग्री क्या हो, 1 से ज्यादा हो,
डिग्री क्या हो, वन से ज्यादा हो और डिफरेंट होती है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव की कुछ और डिग्री दे दी गई, इसकी डिग्री कुछ और है, इसकी डिग्री कुछ और है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा क्या है, नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेम यहां पे आप आ जाइए, इसमें भी वही है आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है आपका ये, या डिफरेंशियल कोफिशियंट हाईएस्ट डेरिवेटिव देखिए ये है, ऑर्डर आपका टू हो गया, डिग्री वन हो गई, ऑर्डर टू डिग्री वन। यहां पे भी क्या है, यहां पे ऑर्डर वन है और डिग्री क्या है, वन है। यहां पे क्या है ऑर्डर, इस डिपेंडेंट वेरिएबल का ऑर्डर क्या है, टू। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो पार्ट लिखा हुआ है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव और फिर ये डिपेंडेंट वेरिएबल, इन सब यहां देखिए एक्सपोनेंट पे क्या लिखा हुआ है, टू। तो यहां पे डिग्री टू है, यहां पे डिग्री वन है, यहां पे भी डिग्री वन है। तो अब देखिए डिग्री जो है वन से ज्यादा हो, वन से ज्यादा तो है, लेकिन अब देखिए यहां पे वन, यहां पे वन, यहां पे टू है। तो जो इस तरह का एग्जाम्पल होता है तो वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है। पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव है, उसके बाद वाला डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल, इन सबकी डिग्री क्या होती है, सेम होती है, वन होती है, ठीक है। तो इसलिए और इसका इसमें नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री क्या होती है, वन से ज्यादा होती है। लेकिन आपने और चीजें भी देखी कि वन से ज्यादा होने के बावजूद भी कहीं इस किसी में वन है डिग्री, किसी में देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल में डिग्री टू है, यहाँ पे वन है और यहाँ पे वन है, डिफरेंट डिफरेंट भी है और वन से ज्यादा भी है। तो इस तरह की इक्वेशन आती है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस टॉपिक को समझ लिया होगा। तो इसी तरीके से हम टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आपको पढ़ाएंगे, जिससे अगर एक तो आपका टाइम कम खर्च होगा, वीडियो इतना छोटा होगा कि आपको लगेगा आप कहीं भी बैठे होंगे, आप फटाफट उसको कोशिश करेंगे कि देख के निपटा दें, ठीक है। और आपको समझ में भी आ जाएगा, इसको कहीं लिखने की भी जरूरत नहीं है, इतने अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।